सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज टी टाई फ्लिप फ्लॉप। टी टाई फ्लिप फ्लॉप्स भी आप यूजिंग जेके और एसआर डिजाइन कर सकते हैं। हूँ जेके की सी कि आप दो इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक हूँ जे एक हूँ के, क्लीयर है? ठीक है जी, दो आउटपुट्स आ रही हैं, एक आँदी क्यू एक आँदी क्यू बार, क्लीयर है? हूँ टी टाइप के की है कि आप दोवों सेम इनपुट ही प्रोवाइड कर सकते हैं। कि सपोज करो जे जे जीरो है, इट मीनस ये तो ही इन के इनपुट मिलेगी, तो के भी सारा जीरो ही होएगा। क्लीयर है क्लास? ठीक है जी। तो अगर जे एंड के आप ट्रू टेबल पढ़िया कि जे के अगर जीरो जीरो है तो फिर आती है प्रीवियस स्टेट, अगर जीरो वन है आउटपुट आती जीरो, जे वन जीरो तो आउटपुट आती वन, तो जे वन वन है तो आउटपुट आता प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट। क्लीयर है? यही है ट्रू टेबल जेके का। हूँ अगर साड़ी इनपुट सपोज करो जे भी जीरो है तो के भी जीरो, इट मीनस कि आउटपुट की आएगी साड़ी क्यू, मीनस अगर जीरो है टी टी का आप टेबल बनाने, अगर टी साड़ा जीरो है इट मीनस कि आप जीरो प्रोवाइड करने, तो आउटपुट की आएगी साड़ी प्रीवियस वैल्यू ही साड़ी आउटपुट आएगी। जे इतने के साड़ा वन है इट मीनस के जे भी साड़ा वन है तो के भी वन है, इट मीनस टी अगर वन प्रोवाइड कर रहा है तो आउटपुट की आएगी वन वन, तो प्रीवियस इनपुट का कॉम्प्लीमेंट। क्लीयर है? सो इतने आएगी प्रीवियस जो भी वैल्यू है वह कॉम्प्लीमेंट आएगा। इट मीनस कि ये एक्चुअल की होंगे कि इस टोंगल केस चलन दिया कि इस दो केसिस ही आप अज्यूम कर सकते, या तो टी की वैल्यू जीरो हो सकती है या टी की वैल्यू वन होएगी। टोंगल के होएगा कि जे या तो यदि प्रीवियस वैल्यू होएगी या यदा प्रीवियस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट होएगा। क्लीयर है? या तो जीरो होएगा या वन होएगा, या तो क्यू की प्रीवियस वैल्यू होएगी या प्रीवियस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट होएगा। ठीक है जी, सेम एज इट इज़ है। जिमें आप डी टाइप फ्लिप फ्लॉप किया, बस डी टाइप ए इनवर्टर लग जाता, बट टी टाइप फ्लिप फ्लॉप कोई इनवर्टर नहीं लग रहा, इस सिंपली आप कोई इनपुट प्रोवाइड करते तो उही इनपुट दूसरे के नू भी सेम उही इनपुट प्रोवाइ मिलती है।